नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको काली हल्दी के 3 सिद्ध प्रयोग बताऊंगा। जौन सा आपको आसान लगे वह आप कर सकते हैं। यह ऐसे प्रयोग हैं, व्यापार में लगातार घाटा आ रहा है तो आपको लाभ होगा, लगातार धन हानि है, अपव्यय है, बिना मतलब के खर्चे होते हैं, धन में बरकत नहीं है, तो विशेष रूप से यह 3 प्रयोग आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। साथियों, हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसी तंत्र साधना से संबंधित सिद्ध वस्तुओं का उपयोग मिलता है, वर्णन मिलता है, जिनका प्रयोग करने से निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं हमारी हल होती हैं। जैसे एकमुखी रुद्राक्ष, बिल्ली की जेर, दाब का बांधा, 3 मुखी रुद्राक्ष, पारद शिवलिंग, स्फटिक के श्रीयंत्र और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज का हमारा रिसर्च है काली हल्दी को लेकर। इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को, किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को काली हल्दी, नाग केसर और सिंदूर, यह चांदी की डब्बी में रख करके ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महात्रिपुर सुंदरी स्वाहा, यह मंत्र का कम से कम 1 घंटा जाप करके उस चांदी की डिब्बी को देवी लक्ष्मी के चरणों में लगाकर अपने धन रखने के स्थान में या अपने कार्यालय में रख दें। आपको अपने काम में फर्क पहले 15 दिनों में स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगा। अपने काम में मेहनत करें और नियमित साधना पूजा उपासना कुछ न कुछ करते रहें। नंबर 2, यह दूसरा जो प्रयोग है यह केवल दीपावली के दिन किया जा सकता है। इसके करने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बड़ी दीपावली के दिन 7 काली हल्दी की गांठ, 1 चांदी का सिक्का पीले कपड़े में बांधकर ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महात्रिपुर सुंदरी स्वाहा, यह मंत्र का कम से कम दीपावली की रात्रि में 2 घंटे जाप करके देवी लक्ष्मी के चरणों में लगा करके इस पोटली को अपने पूजा के स्थान में, घर की ईशान दिशा में या जहाँ पर आपकी तिजोरी है वहाँ पर रख दें। 1 साल के अंदर आपके कारोबार में बहुत बड़ा फर्क आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। नंबर 3, शुक्ल पक्ष के किसी भी प्रथम बुधवार के दिन काली हल्दी को पीसकर उसमें अष्टगंध मिला करके प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे बाद तक अपने कार्यालय में स्वस्तिक बनाएं और ह्रीम लिखें। देवी माया देवी का बीज मंत्र ह्रीम यह लिखें। साथियों, आपके कार्यालय का जो वातावरण है वह पॉजिटिव बनेगा, सकारात्मक बनेगा। आपके पास में आने वाला हर व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा, प्रसन्न रहेगा आपके कारोबार से, व्यापार से, व्यवहार से। और इसका फर्क भी आपको पहले 15 से 20 दिनों में अपने जीवन में स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगा। बहुत ही सिद्ध प्रयोग हैं, अनुभूत प्रयोग हैं और आप इनसे जो भी आपको ईजी लगे उसको करके लाभ उठाएं। ऐसी ही तंत्रोक्त सटीक अन्य पूजा विधि और टोटक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।